हेलो गाइस, मैं फ्रैंक आई वी। सो गाइस, जहाँ पर हमने पार्ट 3 समाप्त किया था वहीं से हम 4 शुरू कर रहे हैं। थैंक यू गाइस ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्ट। एंड सो गाइस, फाइनली फिर हम पहुँचे अपनी गाड़ी के पास। तो गाड़ी आप देख रहे हैं गाइस, काफ़ी डैमेज हो चुकी है, कैबिन पूरा टोटल लॉस्ट हो चुका है। एंड गाइस, आपको बताओ ड्राइवर की कंडीशन जो ठीक है, उसमें एक थोड़ा घुटने की प्रॉब्लम थी, घुटने का जो मांस होता है वो फट गया था, लेकिन अभी ठीक है। ड्राइवर भाई साहब अपने घर चले गए हैं। एंड आप देख ही सकते हैं, बाकी दरवाज़ा भी पूरा डैमेज हो चुका है। एंड जो गाइस स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग की वजह से एक्चुअली ड्राइवर के जो पेट है ना, एक्चुअली वहाँ काफ़ी पेन है, क्योंकि स्टेयरिंग काफ़ी पीछे चला गया, तो उस वजह से ड्राइवर का जो पेट है उसमें सोज आ गई थी। एंड गाइस, आपको बता दूँ इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस पॉइंट पे ये एक्सीडेंट हुआ है, एंड आपको बताता हूँ एक्सीडेंट कैसे हुआ गाइस, क्योंकि एक्चुअली एक जो टिपर होते हैं नाइट में चलते हैं, वो एक्चुअली रोड पे खड़ा था, ख़राब हुआ, उसकी पीछे की लाइट कोई नहीं जग रही थी। एंड गाइस ये पीछे से, एंड गाइस ये करीब 11:30 बजे लगा, एंड गाइस ये एक्सीडेंट हुआ 11:30 बजे नाइट, चंबल घाटी का जो वहाँ पे चंबल रिवर है, नदी निकल रही है उसके फ्लाईओवर के ऊपर। सो गाइस, वो टिपर ख़राब खड़ा था, जो पीछे जाकर जब लगा तो तभी वहाँ से जो लोकल ट्रैक्टर वाले चलते हैं मिट्टी पे, वो एक्चुअली वहाँ से जा रहे थे, उस वजह से उन्होंने इनको निकाला, ड्राइवर बाइक को, उनकी जान बच गई, नहीं तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो फंसे पड़े थे ड्राइवर तो इसमें। एंड करीब पुलिस को ये 1 घंटे बाद आई, एंड एम्बुलेंस भी करीब 1 घंटे बाद आई। एंड गाइस, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस पॉइंट भी एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल वहीं पर एक साइड एमपी है, तो मतलब गाड़ी का जो बैक साइड वो एमपी में आ रहा था, और आगे वाला जो कैबिन है वो आ रहा राजस्थान में, तो इस वजह से ये राजस्थान पुलिस को गाड़ी उठानी पड़ी वहाँ से, क्योंकि पहले एमपी वाले कह रहे थे हमें उठाना है, लेकिन फिर राजस्थान बोले कि हम ले जाते हैं, क्योंकि कैबिन हमारी आ रहा है। तो इसमें थोड़ी गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि एक साइड राजस्थान, एक साइड एमपी, जाके और कोई बॉर्डर ऐसे कुछ हो। तो बाकी गाइस सब देख रहे हैं, फिर हमारी गाड़ी पहुँची, हमने जो माल जो क्रॉस किया पलटी गया अपनी गाड़ी में। तो ये गाइस टीवीएस के माल हैं, इसमें हैं इंजन है टीवीएस बाइक के। एंड फिर गाइस हमारी गाड़ी फुल हुई, धीरे धीरे माल सारा पलटी हो गया। एंड देन ये आप देख रहे हैं चंबल घाटी, ये गाइस वही घाटी है जिस पे पान सिंह तोमर मूवी बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली पहले वारदातें हो चुकी हैं, आजकल भी हो जाती हैं, लेकिन अभी फिर भी ठीक है, लेकिन पहले तो आपको पता ही है ये ऑल ओवर इंडिया में फेमस है चंबल घाटी। एंड गाइस ये आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें माल पलटी कराने के लेबर को हमें देने पड़े करीब 4500 रुपये, नहीं तो जहाँ से गाड़ी हम लोड करते हैं वहाँ पे करीब 500 से 1000 लगता है, और खाली करने का भी सेम 500 1000 ही होता है, किसी की तो 100-200 ही होते हैं। फाइनली फिर गाइस हम पहुंच गए टीवीएस कंपनी नालागढ़, यहाँ पे हमारी गाड़ी खाली होनी थी। एंड आपको बता दूँ गाइस,
नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में आता है। एंड गाइस हिमाचल में जितनी भी TVS की बाइक है वो यहीं से डिलीवर जाती हैं, पहले यहाँ आती हैं और फिर आगे यहाँ से हिमाचल में डिलीवर होती हैं। एंड गाइस फिर हमारी यहाँ पे गाड़ी खाली हो गई फोर्कलिफ्ट से। एंड गाइस टोल खर्चा है हमारा 8290 रुपये, बॉर्डर महाराष्ट्र जो आउट निकलते टाइम लगे 450 रुपये, आगे मध्य प्रदेश 850 रुपये अन टाइम का, एंड 300 रुपये फिर निकलते टाइम, उसके बाद 450 रुपये एंट्री इधर हिमाचल प्रदेश की जो और निकलते टाइम नहीं लगती, एंड और कोई गैस कोई बॉर्डर नहीं लगता। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। थैंक यू ऑल वेरी मच की सपोर्ट, एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।